नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। खबर यूपी के बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निकाली गई भर्ती को निरस्त करने की मांग की है। वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों को लेकर लागू करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधकों और ब्लॉक प्रबंधकों ने अपनी मांग को लेकर सीडीओ को दिया पत्रक। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार का उद्देश्य मुख्यधारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना है। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 से कार्य कर रही है, 2013 से उत्तर प्रदेश में इंटेंसिव रूप से कार्य किया जा रहा है। 2015 में NRLM के द्वारा एक HR मैनुअल का गठन किया गया था, एक बनाया गया था, और उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने हूबहू लागू भी कर दिया था। उसमें उसके अनुसार जो भी हमारे मिशन कर्मी हैं उनको ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का दर्जा प्राप्त है और उनका मानदेय भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ उसमें तमाम तरह के भत्ते, वो चाहे शिक्षा भत्ता हो या लैपटॉप अलाउंस भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो, ये सब शामिल किया गया है। उसमें इंक्रीमेंट का भी प्रावधान है, राज्य सरकार के द्वारा GB में पास करा लिया गया है इसको, और 7% इंक्रीमेंट का उसमें प्रावधान कर लिया गया है। लेकिन 2015 के बाद से 2022 हो गया और किसी भी कर्मी को किसी भी तरह का इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो तमाम तरह के भत्ते अप्रूव हैं उनको भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया है। एक सैम्स के माध्यम से अभी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कार्य हमें जो करना है, जो पूर्व में ब्लॉक मिशन मैनेजर कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर कर रहे हैं, वही कार्य उनको भी करना है जो नए अभ्यर्थी आएंगे। लेकिन उसमें पद का नाम चेंज कर दिया गया है और साथ में सैलरी जो है मानदेय है उसको भी घटा दिया गया है। तो ये काफ़ी निंदनीय है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो हमारा शोषण हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सूचित करेंगे कि हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको देखते हुए आवश्यक कार्रवाई किया जाए। सबसे पहले तो ये सैम्स के द्वारा जो वैकेंसी आई है इसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, इसको रद्द किया जाए, और हम लोगों का नियमानुसार जो 7% इंक्रीमेंट है इसको लागू किया जाए, जो भी हमको अनुमन्य वेतन और भत्ते हैं वो प्रदान किया जाए।